रखेगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर हम इंश्योरेंस करवा देते तो कुछ इस टाइप के आप लोगों को कूपन मिलते होंगे। हालांकि मारुति सुजुकी प्रोवाइड करवाती है, मेरी कार का इंश्योरेंस होता है साई ऑटोमोबाइल से। अब मेरी गाड़ी को 3 साल हो गए अभी, 1 या 2 दिन पहले, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो डालूंगा। मगर आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि कल मैं अपनी गाड़ी के जो कूपन होते हैं ना, इनसे फ्री वॉशिंग और फ्री अलाइनमेंट करवा के आया हूं। जिसका फायदा क्या होता है, सर्विस के टाइम पे कंपनी कहती है कि आपको कुछ एक टाइम पीरियड के बाद ये चीज़ करवा लेनी चाहिए, या फिर जब आपको अपने स्टेयरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे तो चीज़ ये करवा लेनी चाहिए। सो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो, अगर आप लोग ये सब काम करवाने जाएंगे ना साया के शोरूम पे, साया के या फिर मतलब किसी भी मारुति के शोरूम पे, तो वो पता है आपसे क्या करेंगे, आप सिंपली पहले तो वो इन कूपन्स के साथ डे रखते हैं कि आपको फिक्स डेज में जाना है। खैर उस चीज़ से हमें प्रॉब्लम नहीं है, मगर कल हम जब वॉशिंग करवाने गए और जो अलाइनमेंट था वो करवाना था, हमने अपनी गाड़ी की जो वॉशिंग थी वो डन करवाई। वॉशिंग डन करने के बाद उन लोगों ने क्या करा, हमारी गाड़ी को अलाइनमेंट के लिए मशीन के ऊपर लगाया, अलाइनमेंट कर दिया। पहले मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग एकदम सही चल रहा था, उसके बाद गाड़ी राइट साइड में भागने लग गई। तो भाई पता नहीं उन्होंने करा क्या, मैंने कहा यार तुमने क्या अलाइनमेंट करा, फायदा क्या इस चीज़ का, तो कह रहे कि सर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसलिए हम दोबारा कर देते हैं। मैंने कहा तुम्हारी मिस्टेक में मेरा पेट्रोल वेस्ट हुआ, मेरा क्या नाम है टाइम खराब हुआ, मैं सुबह 9 बजे गया हुआ था और उन्होंने मेरे को कहा था कि हम आपको 12 बजे गाड़ी दे देंगे, फिर मेरे को गाड़ी मिली 2 बजे। मैंने कहा तुम्हारे चक्कर में मेरे इतने टाइम वेस्ट हुआ, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन होगा। मैंने कहा वीडियो बना के अपने सब्सक्राइबर्स को मैं सबको बताऊंगा ये चीज़ की, अगर कभी भी शोरूम में जाओ ना उनके साथ पहली बात तो कभी भी बिल्कुल पोलाइटली बात मत करो, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी बातों में मत आओ, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब वो तुम्हें किसी चीज को लेके फोर्स करे ना कि सर आपको अपनी कार के ऊपर ये करवाना है तो करवाना है करवाओ, उस चीज में मत फंसो। उन्होंने कल मेरे से कहा कि आपको 210 रुपए की अपनी कार को सैनिटाइज करवाना पड़ेगा। मैंने कहा उसका फायदा क्या होगा, कह रहे सर हमें नहीं पता, मारुति ने मस्ट कर रखा है। मैंने कहा मेरे पास सैनिटाइजर रखा हुआ है, मैं खुद कर देता हूँ, एक बार जब गाड़ी लेकर आऊंगा तब मैं खुद करके गाड़ी लेकर चला जाऊंगा, क्या दिक्कत है। कह रहे नहीं सर आपको 210 रुपए देने पड़ेंगे। फिर मैंने 200 रुपए थे, ज्यादा कोई बड़ी बात थी भी नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है खत्म करो तुम कर करा के दे दो मेरे को। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि मारुति सुजुकी या फिर कोई भी मतलब कंपनी जो है वो आपके साथ अगर आप अपनी कार में सर्विसिंग करवाने जाते तो किस तरीके से फ्रॉड करता है। बेसिकली देखो एक सिंपल सा क्राइटेरिया रहता है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने जाऊंगा, मेरी गाड़ी की अब कौन सी सर्विस होनी है, मेरी गाड़ी की होनी है 5th सर्विस होनी है, 3 साल हो गए तो 4 सर्विस इसकी हो चुकी है, जिसमें से एक सर्विस शायद से मेरी गलती से ड्यू हो गई थी, ठीक है। तो अगर मैं 5th सर्विस के बारे में बात करूँ तो मेरी 5th सर्विस का वो लगभग खर्चा बता रहे मेरे को 7,000 रुपये के आसपास, जिसमें वो क्या क्या करेंगे, इंजन ऑयल डालेंगे, ब्रेक ऑयल डालेंगे, कूलेंट चेंज करेंगे, अलाइनमेंट भी करेंगे, व्हील बैलेंसिंग भी करेंगे, वॉशिंग भी करेंगे। अब जैसे मेरे पास ये कूपन थे तो वॉशिंग मैं करवा चुका हूँ, व्हील अलाइनमेंट करवा चुका हूँ, और व्हील की जो एडजस्टमेंट होती है अलाइनमेंट और जो बैलेंसिंग होती है वो चीज़ मैं करवा चुका हूँ। अब मेरे को 3 चीज़ करवानी है, मगर वो फिर भी मेरे को फोर्स करेंगे कि आप ये करवाओ, तो आप वहाँ पर बिल्कुल उनसे लड़ जाओ इस बात के लिए मुझे नहीं करवाना, मैं कल ही करवा के लाऊँ, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही कि मेरे को मेरी गाड़ी में एक ही चीज़ में दो दो बार करवाऊँ, ठीक है, तो ये चीज़ आप मत करवाना। दूसरा वो लोग आपसे पता है अब मारुति ने पता है क्या शुरू कर दिया, यूँ कहते हैं कि आपकी जो लेबर चार्ज है यार 2,500 रुपये लेबर चार्ज मांग रहे हैं। भाई 2,500 रुपये वाली लेबर भी वही करेगी, इंजन खोल के उसमें से इंजन ऑयल निकाल के नया डालेगी, अगर 1,000 रुपये वाली लेबर काम करेगी तो वो भी वही करेगी, 500 रुपये वाली लेबर काम करेगी तो भी वही करेगी, ज़्यादा क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस का फर्क होगा मगर काम तो वही होना है ना, तो भाई उस चीज़ के लिए 2,500 रुपये किस बात के। हालांकि मैं प्रॉपर जब सर्विस कराने जाऊंगा तो मैं आप लोगों के साथ पूरा प्रॉपर जो वीडियो होगा प्रॉपर वो शूट करूंगा, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करते हैं। मगर एक चीज़ है, अगर आप उनकी बातों में आ जाओ, जो जो चीज़ वो आपके बिल में ऐड करते जाए ना, अगर आप ना कट करवाओ तो गाइज वो बिल आपका बेफालतू में, मेरे को कह रहे हैं मेरी पेट्रोल कार है, मेरे से कह रहे हैं कि आपकी 7,500 से 8,000 रुपये की सर्विस होगी। तो आप मेरे को एक बात तो बताओ जो कि हर एक कस्टमर के दिमाग में होती है, वो कहते हैं कि यार मारुति गाड़ी ले लो, खर्चा कम आता है, माइलेज अच्छा देती है। चलो माइलेज से ठीक है मैं देता हूँ, मैं कहता हूँ कि बलेनो को माइलेज बहुत अच्छा क्योंकि लाइट वेट के ऊपर बनी हुई है, हाईटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस है इस वजह से। दूसरी चीज़ सर्विस, यहाँ पे सर्विस कहाँ से सस्ती हुई मेरी, 7,500 या 8,000 रुपये की अगर पेट्रोल गाड़ी की सर्विस कर रहे हैं, वहाँ पे अगर मैं इसके कंपेरिजन में डीजल गाड़ी को लगाऊँ, डीजल की तो 12-13 हज़ार रुपये ही करते होंगे, 16,000 की करते होंगे। एक मेरे सामने डीजल का कस्टमर भी आ रखा था, उसकी गाड़ी में इन लोगों ने पता क्या करा, उससे कह रहे कि अगर आपकी गाड़ी की जो सर्विस होगी 30-30 हज़ार के इंटरवल पे जो होगी उसमें आपकी जो लेबर चार्ज आएगी वो 42,500 रुपये लगेगी या 42,500 रुपये लगेगी, और अगर आपकी 20-40-60 हज़ार के इंटरवल पे होगी तो आपकी लेबर मतलब जो लेबर चार्ज है वो आपकी लगेगी कितनी बताई थी, 2,500 या 2,400 कुछ उसकी लेबर चार्ज बताई थी, 2,200 रुपये के आसपास में बताई गई थी, है ना, 2,200 रुपये उसकी भी लेबर, 2,200 नहीं थी 2,500 ही थी शायद, हाँ मे भी शायद 22 से 25 के आसपास में बताया था, 2,500 के बट उसके अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ करने के लिए मेरे को कुछ भी नहीं लगा कि कुछ काम नहीं था, मगर बस वही है ना, देखो यार पैसे लूटने का तरीका, सिर्फ पैसे बनाने के तरीके हैं लिटरली, अगर आप ये काम आफ्टर मार्केट करवाएंगे ना आपको इतना कोई खास मतलब पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। और जो उन्होंने मेरा अलाइनमेंट करा था ना उसमें मेरा बहुत टाइम खराब हुआ, लिटरली आप यकीन मानना, मैंने उनसे कहा अपने मेरे को मैनेजर से बात करवाओ, मैं आपको फीडबैक भी बिल्कुल ऐसा दूंगा एकदम खतरनाक वाला। और मैंने बिल्कुल पूरे शोरूम में अपना कैमरा वगैरह ऑन कर लिया, मैंने कहा मैं शूटिंग कर लेता हूँ, वहाँ पे लिखा रहता है ना कि वीडियोग्राफी बैन है, मैंने कहा नहीं
भाई बैन होगी जिसके लिए होगी, मगर मैं शूट करूंगा। उन्होंने मैंने कहा तुम अपने मैनेजर को बुलाओ या किसी को भी बुलाओ, मैं नहीं जानता, क्योंकि गाइस जिस वजह से मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग गया हूं, अगर मेरा वही काम ना हो तो मेरे जाने का फायदा क्या है। तो ओवरऑल इस वीडियो से ना मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपकी गाड़ी में जिस चीज की जरूरत है ना सिर्फ वही करवाओ। उनकी बात तुम आगे ये नहीं कि वो कह रहे कि सर सिर्फ मैं कोटिंग भी करवा लो तो वो भी करवा दो, सर इंजन ऑयल भी चेंज करवा दो वो भी करवा दो। इंजन ऑयल तो खैर देखो मस्ट होता है, कोई आलतू फालतू के जो ऑयल चेंज करने के लिए कहते हैं ना, उन सब चीजों को आप देखना, अगर आपको लगे ना तो करवाना। एक कस्टमर को उन्होंने मेरे सामने की बात है, एक कस्टमर से कहा कि आपके क्लच का काम आना है। जो कस्टमर था ना वो कह रहे कि मेरा जो क्लच है गाइस, मतलब उन्होंने कहा कि भाई मेरा जो क्लच है मैं उससे एकदम 100% सेटिस्फाई हूं, मैं जैसे क्लच छोड़ता हूं जैसे एक्सीलरेशन करता हूं गाड़ी मेरी स्मूथ चल रही है, मेरे को परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, तो मैं क्लच का काम क्यों करवाऊं। वो जबरदस्ती भाई उससे चेप हो रहे, ऐसा कि उससे कह रहे थे ब्रेजा वाले से कि आप अपने क्लच का काम करवाओ, क्लच का काम करवाओ। और लास्ट में आपको एक और भी बात बताऊंगा उन्होंने क्या चीज कही थी, जो एक चीज वो चीज तो मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी। देखो एक चीज मतलब शाकिब ने सुनी थी, ये उनके मैनेजर से भी कहने जा रहा था, मगर फिर मैंने कहा चल छोड़ रहने दे हमारा काम हो गया। मैं लिटरली गाइस देखो ट्रुथ बता रहा हूँ, अगर आप उन लोगों को हल्के में नेग्लेक्ट करोगे ना, अगर आप उनको हल्के में छोड़ दोगे कि यार चलो सही है छोड़ो कोई बात नहीं यार हमारा काम हो रहा है, पैसे लग रहे कोई बात नहीं लगने दो। देखो यार पैसे लगते हैं, जायज काम के पैसे देते हो दुख नहीं होता, फालतू काम के पैसे दो फिर मतलब उस चीज का दुख होता है। तो बस वही चीज आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। अब एक बार तू वो बता दे, जो वो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि वो बंदा किसी कस्टमर से बात कर रहा था, मतलब कस्टमर नहीं जैसे जो डीलर्स होते हैं ना, वो डीलर से बात कर रहा था, आपस में बात, हाँ आपस में बात कर रहे थे। देन हुआ क्या कि कुछ बात हुई होगी कस्टमर की चाहे किसी चीज की, देन उस बंदे की बात पता है क्या थी, यूं कह रहा है स्पेशली ये बात स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग मतलब गाड़ी खरीदते हैं, सिर्फ दिमाग में एक बात रखते हैं लेनी है तो मारुति की लेनी वरना किसी और कंपनी की नहीं लेनी, स्पेशली वो लोग जरूर सुने, वो लोग जरूर सुने। तो उस बंदे ने ये बात कही कि सर आप ना कस्टमर को अपनी जान भी दे दोगे ना, हाँ। तो भी कस्टमर कभी भी आपका हो नहीं सकता, आपका नहीं हो सकता। मतलब आई मीन मैं आपको बताता हूँ, उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप कस्टमर के लिए कुछ भी कर लो ना, वो आपका नहीं हो सकता। आई मीन कि जैसे काफी लोग मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, गाड़ी को देखने जाते हैं कि हमें ये गाड़ी देखनी है, तो उनका कहने का मतलब था कि कस्टमर और चार गाड़ियां भी देख रहा होगा तो इसका कोई भरोसा नहीं है, जब तक कि कार बुक भी करवा दे, बुक करवाने के बाद भी पैसे वापस ले लेगा, जब तक गाड़ी इसके नाम पर रजिस्टर नहीं हो जाएगी तब तक कस्टमर आपका सगा नहीं हो सकता, उनका कहने का मतलब ये था। तो उनकी सोच से ही पता चल जाता कि वो क्या सोच गलत है, ये सोच गलत है। अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई भी कस्टमर आ रहा है तो भाई कस्टमर यही तो मन मना के आता है कि मुझे कार लेनी होगी, और वो मतलब उनके फालतू में तो कोई भी नहीं आएगा, उनके दिमाग में पहले से ये बात है कि कस्टमर हमारा हो नहीं सकता। मतलब उनके कहने का मतलब है कि अगर वो अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा भी करके दे देंगे ना, तो ये कस्टमर को ये लगेगा कि नहीं भाई इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तो ये चीज उनकी गलत। अगर कस्टमर को अच्छे तुम ग्रीट ही नहीं करोगे तो भाई कस्टमर तुम्हारा कैसे हो जाएगा, बेसिक सी बात है। अगर तुम कस्टमर जा रहे हैं आप ये लगा लो, कल मैंने उनसे कहा कि मेरे को आप पॉलीबैग दे दो मेरे को सामान रखना है, कर सर कोविड की वजह से नहीं है, मैंने कहा कोविड की वजह से क्या ऐसा हो रहेगा, तुम्हारा कोविड की वजह से कुछ भी नहीं है ना, उन्होंने पॉलीबैग दिया ना कुछ। और सबसे बड़ी बात मुझे वहां पे क्या लगी, चलो उन्होंने कहा कि जब हम सेकंड टाइम अलाइनमेंट कराने गए उन्होंने सही करके दे दिया, हाँ। सर सही तो कर दिया, अरे यार आपने सही कर दिया, हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ हमारा जो पेट्रोल वेस्ट हुआ वो कौन देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली बारी में तुमने फिर करा क्या, मशीन पर लगा के पहली बारी में बेवकूफ समझ रहे हो, लिटरली फ्री कूपन का काम है तो तुम्हें नहीं करना क्या भाई, 16-17-18 हजार रुपए का हम इंश्योरेंस भी तो तुमसे ही करवा रहे हैं, इस बात को कैसे भूल जा रहे हो, फ्री कूपन ऐसी नहीं मिला 18,000 रुपए का इंश्योरेंस के 18,000 रुपए का चेक दिया ना तब मिले हैं। अलाइनमेंट के जस्ट बाद हम लोगों को कितना लंबा जाना था, कम से कम 50-60 किलोमीटर, सपोज करो वहां में प्रॉब्लम क्रिएट होती तो फिर हम क्या करते, और अगर अलाइनमेंट टेढ़ा होने की वजह से गाड़ी आगे से लगने से बिल्कुल बच गई। देखो एक हैबिट होती है कि मुझे पता मैंने ऐसे अपना स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखा है मेरी गाड़ी सीधी चलेगी, अब वो एकदम से राइट भाग जाए तो भाई क्या ही संभालूंगा मैं। और मैं तो गाइस आप लोगों को यही सजेशन दूंगा, अगर ऐसा कुछ होता है ना ऑन द टाइम, भाई देखो आपका टाइम जरूर वेस्ट होगा लेकिन ये चीज मत सोचना कि चलो यार मैं कल या करा लूंगा परसों, क्योंकि वो फिर आपके कुछ नहीं सुनने वाले, वो उल्टा सीधा फिर आपने ठोक दी होगी कहीं कुछ कर दिया होगा, इसके अलावा आपको कोई भी वो नहीं देने वाले। तो ये देखो आज इस छोटे से क्लिप में आपको काफी सारी चीजें मैंने बताना चाहा था, आई होप आप लोगों को अगर ये बात समझ आई होगी तो अच्छा है। अगर भाई देखो जिस बंदे ने ये चीज फेस करी होगी ना, मेक श्योर आप लोग नीचे कमेंट डाउन करके मेरे को बताना, अगर किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो ना मारुति के साथ, बेशक मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना क्लिप वगैरह या फिर मेरे को बता देना, मैं इंस्टाग्राम पे आपसे कॉल करके सारा आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करूंगा, और सारी ऑडियंस को ये बात समझाऊंगा कि भाई हर कंपनी एक जैसी है, एक नंबर की वाहियात, एकदम हरामी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, तब तक के लिए।